न्यूज में हम फिर हाजिर हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खास खबरों के साथ। मूढ़ापांडी थाना क्षेत्र के गांव मिलक लक्ष्मीपुर गट्टे के रहने वाले सफी अहमद ने अपनी बेटी गुलफशा की शादी 2.5 साल पहले मुस्लिम रीति रिवाज के साथ मुमतियाज के साथ की थी, जिसमें अपनी हैसियत से उन्होंने घर का सारा दान दहेज भी दिया था। अब जब गुलफशा के पास 2 महीने पहले बेटी पैदा हुई तो उसके ससुराल वालों ने ये कहकर मारना पीटना शुरू कर दिया कि हमें बेटा चाहिए था, बेटी नहीं चाहिए थी। अब तुम हमें अपने परिवार वालों से सूचक में 50,000 रुपए ला कर दो। जब पीड़िता ने ये सब लाने से इनकार किया तो सास ससुर और पति ने गुलफशा को लाठी डंडों से बुरी तरह से मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। अब पीड़ित के पिता की तहरीर पर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्यवाही शुरू कर ली है। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद खुर्शीद नाम है। सर, क्या मामला है? ये मिलक लक्ष्मीपुर की कट्टई की लड़की है, हमारी भतीजी, जिसकी शादी अब से 2 साल पहले हुई थी। 2 साल से अब तक कई बार, कभी 50,000, कभी 1 लाख, कभी 20 लाख, अब इसकी 2 महीने की जब से लड़की हुई है, जब से इन्होंने और उसे टॉर्चर करना शुरू कर दिया है कि एक भैंस और 50,000 रुपए दे, छोचक में लेके आ वरना तुझे 3 तलाक पे छोड़ दूंगा। आज सुबह जब मारपीट हुई तो लड़की जब बेहोश हो गई, पड़ोस के किसी आदमी ने फोन करके बताया कि तुम्हारी भतीजी बेहोश हालत में पड़ी है। तो हम जो थे वहाँ जब पहुंचे तो लड़की बेहोश थी, उसकी कमर में चोट है, हाथ फ्रैक्चर है। उसके नियम थाना मूढ़ा पांडे में लेकर आए, थाना मूढ़ा पांडे से हम जो है जिला अस्पताल मूढ़ा पांडे लेकर आए। कौन से गाँव में शादी हुई है? ये मिलक है, मुदमपुरे की मिलक। क्या नाम है आपके दामाद का? उसका नाम है, चलो, अच्छा, लड़की पैदा हुई है इसकी वजह से टॉर्चर करते हैं? हाँ, इसकी लड़की जो पैदा हुई है जब से ज्यादा टॉर्चर करते हैं। और उसकी जो सास है उसने आज झाड़ू से उसके जेठ ने, उसके ससुर ने डंडों से झाड़ू से खूब मार के बेहोश कर दिया। आपकी बेटी में कितने बच्चे हैं? इस पे 1 लड़की है, अभी 2 महीने पहले लड़की हुई है।